सो आप लोग फिक्र ना करें, हाथ धोऊंगा मैं लाजमी। सो गाइस, मज़ेदार किस्म का दोपहर का खाना और साथ खजूर, ताकि वीकनेस ना हो। और अब आप सोच नहीं सकते कि कितना मज़ा आने वाला है। गाइस, बिल्कुल नमाज भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ खाना ही खा रहा हूँ, बिल्कुल नमाज भी पढ़ रहा हूँ। तो आज 11 डे है गाइस, और इट्स नाश्ता टाइम। गाइस आज आई थिंक 12th डे है और इट्स पार्टी टाइम। गाइस इट्स पार्टी टाइम, इट्स टी टाइम, टी टाइम, टी टाइम। के सोने का प्रोग्राम था लेकिन खाने का भी दिल था, तो मैंने सूप नूडल्स बनवाए। नूडल्स सो मैंने रूम में रह कर देखा, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनको धूप लगाई जाती है, फिर उनको सैनिटाइज करके उनको वॉश किया जाता है जितना हो सके। जस्ट 2 डेज लेफ्ट, आज 12th डे है। आज बर्गर खाने का शदीद दिल कर रहा था और बर्गर बन गया। जो भी बनाया घर में बनाया, ओबियसली कोरोना की वजह से बाहर से तो कुछ नहीं ला सकते, बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है, जो लाना है वो भी पैक्ड। अब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। डी का सिरप पीने के बाद विटामिन ई का एक कैप्सूल ले रहा हूँ मैं अभी पानी से। कैप्सूल मुंह में डाल लिया लेकिन पानी नहीं है। वॉटर इज हियर, और अब मैंने मेडिसिन ले लिया, हैंड सैनिटाइजर। बिल्कुल साफ हो गए गाइस, बिल्कुल साफ। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लास्ट डे है, 13 दिन हो चुके हैं मुझे रूम में, और अभी नाश्ते का टाइम है। नाश्ता वाश्ता करके मैं सोच रहा हूँ कि रूम सेट करूँ। सफाई बहुत ज़रूरी है गाइस। मैंने जितने दिन भी रहा मैंने कोशिश की कि जितना साफ रख सकता हूँ रखूँ, और आप देख सकते हैं रूम कितना ज़बरदस्त साफ है। जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करता हूँ साफ़ सुथरी रहें। मेरी जानमाज है, गाड़ी की चाबी, थर्मामीटर, और स्पेशली मेरी तस्बीह, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देख लें, ये 14-15 दिन के बर्तन हैं, इतने ज़्यादा, आई कांट इवन इमेजिन। और ये मेरी कैप जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 1:30 हो गए हैं, कमरे में ही हूँ। एक दिन रह गया मेरा गाइस, एक दिन रह गया फ्री होने का, आज़ाद होने का। अब बुरी जा नमाज। नमाज अब पढ़ लूँ, ज़ाहिर है जोहर की पढ़ सकता हूँ, जुम्मा तो पढ़ नहीं सकता। अफसोस कि हम मुसलमान अब जुम्मा भी नहीं पढ़ सकते। पहले मस्जिदें हमें बुलाती थी, हम नहीं जाते थे, आज हम जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं बुला रहे। तो तौबा का वक्त है, यही वक्त है तौबा का गाइस, जितना तौबा हो सकती है करें। और अब नमाज़ पढ़ने का टाइम है। सो गाइज, जितना हो सकता है मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, इबादत भी कर रहा हूँ, दुआएं भी कर रहा हूँ, जितना हो सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक कमरे में रहते हुए 14 दिन मैंने गुजारे हैं। मैं आपके साथ उसकी समरी भी शेयर करूँगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई। आसान था, नहीं था। ज़्यादा सारा इबादत करें, और ऑब्वियसली कमरे में जो आपके पास अवेलेबल है तस्बीह, ये शुक्र है मेरे पास, तो मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहा हूँ। बाकी जितना हो सकता है हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में, स्पेशली आज जुम्मे का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। थैंक यू। आप देख सकते हैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना बहुत आसान है और इतना टाइम भी नहीं लगता। अब आप ये देखें, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था कि 5,000, 6,000, फिर 7,000, ये तो खैर नंबर ऐसा बन रहा था इसलिए मैं स्नैपशॉट्स लेता रहा हूँ। करते कराते पता ही नहीं चला और 10,000 हो गए। अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।